Now, let's start discussing 17th problem. Two blocks, mass m1 equal to 2 kg, m2 equal to 4 kg are connected with light string that runs over a frictionless peg to a hanging block of mass m as shown in figure. Figure pehle bana le, phir data ko dekhte jate hain. This is a frictionless peg. उसके ऊपर यह ब्लॉक विच इज हैंगिंग हैविंग मास m, दिस इज मास m2, ओवर इट वी हैव गॉट मास m1 m2. m1 इज इक्वल टू 2 kg, m2 is equal to 4 kg. Coefficient of sliding friction between m2 and block mu k is 0.2. Static friction here mu s is 0.4. What is maximum m? Iski maximum value puchiye. For the hanging block, a block M1 does not slip on block M2 while M2 is sliding over the surface. Dekhiye, M1 does not slide over M2. Matlab M1 aur M2 contact mein rahe. Yah condition puchhi gayi. Ab hum jo free body diagram. Sabse pehle to hum keh dein ki jab yah mass M hoega to iska kuch acceleration A hoega. और यह पूरा सिस्टम ए एक्सीलरेशन से आगे की तरफ मूव करेगा. दिस इज द एक्सीलरेशन वी हैड असाइंड एंड इंडिकेटेड एंड आल्सो वी हैड रिलेटेड देम. यह भी ऐसे एक्सीलरेट करेगा और यह भी ऐसे एक्सीलरेट करेगा. अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं. एक फ्री बॉडी डायग्राम तो मैं इसका बनाऊंगा. हैंगिंग ब्लॉक. दूसरा फ्री बॉडी डायग्राम है, इन दोनों का कंबाइन में बनाऊंगा. और तीसरा फ्री बॉडी डायग्राम में एक और लूंगा जिसमें यह ऊपर वाला M2 ब्लॉक बिल्कुल M1 ब्लॉक बिल्कुल इंडिपेंडेंटली लूंगा. दिस इज मास M, दिस इज मास M2 एंड M1. अब मैं एक्सीलरेशन इंडिकेट कर देता हूं. इधर A, इसका A, इसका A और इसका भी A. यह एक्सीलरेशन इंडिकेट कर दिया. अब मैं इधर इंडिकेट करता हूं कैपिटल एम जी टेंशन टी. इधर टेंशन टी M1 प्लस M2 इंटू जी. ये दोनों कॉन्टैक्ट में है तो इनके बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स वह इंटरनल फोर्स हो गया है. नॉर्मल रिएक्शन N और इधर होएगा म्यू के इंटू N. अब इस जगह पर मैं लिखूंगा M1G नॉर्मल रिएक्शन N डैश. और खास बात क्या है कि जब यह आगे जाएगा तो इस ब्लॉक पर यह आगे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स FR. अब हम कहते हैं इस ब्लॉक के लिए मैं एक इक्वेशन लिख सकता हूं, mg-t इज इक्वल टू ma. इधर के लिए मैं इक्वेशन लिख सकता हूं t-μk(n) इज इक्वल टू m1
plus M2 into A. Normal reaction equal to M1 plus M2 into G. Or finally, I'll write T minus mu k into M1 plus M2 into G is equal to M1 plus M2 into A. और फिर मैं क्या करूंगा, इस इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा और इन दोनों इक्वेशन को ऐड करके लेट मी राइट इट हियर. ऑल्दो इधर मैं इस ब्लॉक के लिए सॉल्व करना चाहता हूं तो मैं इधर ही कहीं स्पेस देखकर लिखता हूं, एम जी माइनस म्यू के इंटू एम वन प्लस एम टू इंटू जी इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस एम वन प्लस एम टू इंटू ए. और दिस एक्सीलरेशन इज एम जी माइनस म्यू के इंटू एम वन प्लस एम टू इंटू जी बाय कैपिटल एम प्लस M1 प्लस M2. अब हम कहते हैं इस ब्लॉक के लिए, अब ये जो उन्होंने पूछा है मैक्सिमम M, उसके लिए हम कहते हैं फॉर दिस ब्लॉक FR मस्ट बी इक्वल टू M1A एंड दिस FR must be less than FR max, less than equal to mu into n dash, mu s into n dash. Or this FR n dash equal to M1G. FR की जगह मैं लिखता हूं M1A must be less than equal to mu s into M1G. Or acceleration, this is the final result, acceleration must be less than equal to mu s into G. यह इससे कम होना चाहिए. देखिए n dash equal to m1g, ये सबको समझ में आता है. n dash equal to m1g, ये सबको समझ में आता है. और यह समझ में आता है कि फ्रिक्शनल फोर्स इसे एक्सीलरेट करेगी. दिस फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू m1a, ये सबको समझ में आता है. अब एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स. एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस इनटू n dash. एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स की जगह m1 इनटू a लिखा और μs into n dash चाहिए μs into m1g. So acceleration must be less than equal to μs into g. और यह acceleration हमारा आ चुका है. This must be less than equal to μs into g. Or finally I'll write g throughout cancelled. M minus mu k into M1 plus M2 upon M plus M1 plus M2 must be less than equal to mu s. Now solve to get whatever condition they had asked for. अब इसके बाद जो भी कंडीशन उन्होंने पूछी है उसके लिए सॉल्व कर लीजिए. इससे हमें मैक्सिमम एम की वैल्यू पता लग जाएगी. हम इसे रीअरेंज कर देते हैं. पहले एम माइनस म्यू के इंटू एम वन प्लस एम टू मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू एस एम प्लस म्यू एस इंटू एम वन प्लस एम टू. इस तरह से लिख देते हैं पहले. अब m की टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं और m1 प्लस m2 की टर्म्स एक तरफ कलेक्ट कर लेते हैं. तो इधर जो दिखने लगेगा
m into 1 minus mu s must be less than equal to mu s plus mu k into m1 plus m2, or m must be less than equal to mu s plus mu k into m1 plus m2 whole upon 1 minus mu s. This is the final answer, it seems. Solve karne ka tarika bade dhyan se dekhe. It's a very interesting problem, in fact. Now let us discuss problem number 19. A board is fixed to a floor of an elevator. मैं once again figure पहले बना लेता हूँ जो दिया हुआ है साथ में. This is the elevator. बगल में उसका acceleration a indicate कर रखा है. इधर ऐसा एक board दिखा रखा है. 37 डिग्री जिसको मैं थीटा कहूंगा, और इधर एक ब्लॉक ए रखा था, ठीक है ना. अ बोर्ड इज फिक्स्ड टू एलिवेटर ऑफ अ फ्लोर सच दैट बोर्ड फॉर्म एंगल 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल फ्लोर ऑफ एलिवेटर एक्सीलरेटिंग अप. अ ब्लॉक इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए ऑन द बोर्ड एज शोन. द मोशन व्हेन मोशन विद वेलोसिटी वी वन, वी वन इज इक्वल टू 4√2 मीटर पर सेकेंड इज गिवन टू अ ब्लॉक. It comes to rest after moving distance of L equal to 1.6 meters related to board. If velocity was, its velocity was 4 meter per second down the board when it returns to point A. Calculate acceleration A of elevator and coefficient of friction mu between the board and the block. Now we have to solve. कुछ दे रखा है उन्हें कि जब वो नीचे की तरफ आता है तो उसकी वेलोसिटी v होती है, एंड दैट v इज सम 4 मीटर पर सेकेंड कुछ दे रखा है. मैं पहले सिचुएशन को समझाता हूं. अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा और ऊपर और नीचे आते समय फ्रिक्शनल फोर्स और उसकी वजह से एक्सीलरेशन को दिखाऊंगा. Now this is theta, और इस पर यह एक बोर्ड है. बोर्ड के ऊपर यह ब्लॉक है. अब इस ब्लॉक पर एक तो लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg. अब ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन a है. मैं क्या करता हूं, इस एक्सीलरेशन ए को खत्म कर देता हूं और इधर ब्लॉक पर एक स्यूडो फोर्स एम ए लगा देता हूं अपोजिट टू एक्सीलरेशन. एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में इधर एक स्यूडो फोर्स एम ए, और इस तरह से एक्सीलरेशन ए खत्म कर दिया. बिसाइड इट देयर इज नॉर्मल रिएक्शन एन. अब जरा देखिए, हम कहेंगे इस सिडो फोर्स को और इसको रिजॉल्व करके इधर दिखाया जा सकता है एम इंटू जी प्लस ए कॉस थीटा, एंड हियर एम इंटू जी प्लस ए साइन थीटा. हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन
is m into g plus a cos theta, and maximum frictional force is mu into n or mu into g plus a cos theta. This is the maximum frictional force. अब हम कहेंगे while upward motion deceleration a would be equal to upward motion में deceleration जो होएगा वहां एक तो यह साइन कंपोनेंट ऑफ फोर्स की वजह से होएगा और साथ में फ्रिक्शन फोर्स की वजह से होएगा. अपवर्ड मोशन में मैं यह बात बता दूं कि फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एन बी इधर और एम इनटू जी प्लस ए साइन थीटा. सो डिसीलरेशन ए वुड बी जी प्लस ए साइन थीटा g plus a sin theta plus mu into g plus a cos theta. So this upward deceleration would be g plus a common or andar hoega sin theta plus mu cos theta. This is during upward motion. अब इसके बाद मैं लिखता हूं downward motion के लिए. During downward motion, downward motion के लिए फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एन ऊपर और एम इंटू जी प्लस ए साइन थीटा नीचे. अब जो डिसीलरेशन होएगा, डिसीलरेशन इज ए डैश एंड दैट डिसीलरेशन इज म्यू इंटू g plus a cos theta minus g plus a sin theta. So this deceleration a dash would be g plus a common or mu cos theta minus. और downward motion में acceleration लिख देता हूं मैं, acceleration a dash. एक्सीलरेशन ए डैश लिख देता हूं क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते समय उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है. ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन एक्सीलरेशन ए डैश, दैट एक्सीलरेशन ए डैश वुड बी जी प्लस ए साइन थीटा माइनस म्यू इंटू जी प्लस ए कॉस थीटा. So this acceleration a dash would be g plus a into sin theta minus mu cos theta. जरा देखिए, upward motion में मैंने deceleration लिख दिया और downward motion में मैंने acceleration लिख दिया. अब हम यह data इस्तेमाल करेंगे. इधर हम सेकेंड इक्वेशन लगाएंगे, इधर हम फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे. हम कहेंगे s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस. इस इक्वेशन को लगाने के लिए फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर वी वन स्क्वायर माइनस
टू ए इंटू एल, हम एक तो यह इक्वेशन बना देंगे और डाउनवर्ड मोशन के लिए हम बनाएंगे फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो स्क्वायर प्लस टू ए डैश इंटू एल। हम यह दो इक्वेशन बना के जो भी कुछ डिजायर्ड है, जो भी कुछ पूछा गया है उसके लिए हम सॉल्व कर सकते हैं। यह बात खास लिखना है। अब आप ऊपर की तरफ जाते समय वहां एल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इनिशियल वेलोसिटी वी वन है, सो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, इनिशियल वेलोसिटी इज वी वन स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, टू एक्सीलरेशन इज दिस, दिस इज द डिसीलरेशन तो माइनस साइन, और एल इज द डिस्टेंस ट्रेवल। और नीचे आते समय वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी जीरो प्लस टू, एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन आते समय यह, और एल इज द डिस्टेंस ट्रेवल। इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। जो भी पूछा है सॉल्व करके ऑप्टेन कर लीजिए, आंसर मार्क कर दीजिए। प्लीज नोट इट डाउन। Now, let us solve 20th problem. This would be the last problem of our today's session. आज के दिन मैं इतना ही कराता हूं और अब मैं आपको दो चार दिन और देता हूं। दो चार दिन मैंने मेरे पिछले सेशन में 12 प्रॉब्लम डिस्कस कराए थे, आज भी आई थिंक 8-9 प्रॉब्लम डिस्कस हो जाएंगे। दो चार दिन और ले लीजिए और आगे के प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, फिर जो डाउट्स होंगे फिर एक और बार डिस्कस करूंगा। चलिए 20th प्रॉब्लम। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स पी ऑफ 70 न्यूटन इज एक्सर्टेड ऑन मास 16 केजी। मैं पहले एक बार फिगर दिखा दूं। इस तरह से फिगर बना हुआ है, दिस इज ब्लॉक ए और इस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स पी लगाया जा रहा है, दिस इज ब्लॉक बी, यह इससे टाइड है इस तरह से और यह एंगल बनता है 30 डिग्री, यह ब्लॉक बी है। पी इज 70 न्यूटन एक्सर्टेड ऑन ब्लॉक ए ऑफ मास 16 kg, दिस हैविंग कैपिटल मास एम। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, this is mu1, mu1 is 0.25, and that of mass 4 kg is a small m, small m is 4 kg, and this is mu2. Here we have got mu2, mu2 is 0.5, cord containing connecting the mass a and b makes an angle theta, this is theta, theta is 30 degrees. What is tension in the cord and what is acceleration of A and B? Is cord mein tension pucha hai? Ab dekhiye. First of all, assign acceleration. Hum acceleration assign kar dete hain. Iska horizontal direction mein A, aur jo ki thread se bandhe hue hain, isliye iska bhi horizontal direction mein A hi hoga. Ab hum फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम मैं इसका अलग बनाता हूं, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अलग, जिसमें यह फोर्स तो पी दिख ही रहा है, इधर टेंशन टी, इधर कैपिटल एमजी, इधर नॉर्मल रिएक्शन एन, और इधर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एन। एक फ्री बॉडी डायग्राम में इधर बनाता हूं, ये छोटे वाले ब्लॉक का, इधर टेंशन टी,
इधर स्मॉल एम जी, इधर एन डैश, इधर म्यू एन डैश, और दोनों का एक्सीलरेशन ए, इसका इस तरफ और इसका भी इस तरफ। अब मैं टेंशन टी को रिजॉल्व करके मुझको दिखाना पड़ेगा। हियर टी कॉस थीटा, हियर टी साइन थीटा, हियर दिस इज टी कॉस थीटा एंड हियर टी साइन थीटा। अब मैं इक्वेशंस लिखता हूं। नॉर्मल रिएक्शन एन इज इक्वल टू एम जी प्लस टी साइन थीटा। नॉर्मल रिएक्शन एन इक्वल टू एम जी प्लस टी साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में इक्वेशन बनाऊंगा पी माइनस टी कॉस थीटा माइनस म्यू एन इज इक्वल टू कैपिटल एम ए, और पी माइनस टी कॉस थीटा माइनस म्यू इनटू एन जी प्लस टी साइन थीटा इज इक्वल टू कैपिटल एम ए। यह एक इक्वेशन बन गई, यह एक इक्वेशन जो हमारे काम की रहेगी। अब हम इसके लिए इक्वेशन बनाते, पहले मैं लिखता हूं एन डैश एन डैश इज इक्वल टू एम जी स्मॉल एम जी माइनस टी एम जी माइनस टी कॉस थीटा, और फिर एक इक्वेशन लिखता हूं मैं टी साइन थीटा माइनस टी साइन थीटा माइनस म्यू एन डैश इज इक्वल टू एम ए, और टी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी माइनस टी कॉस थीटा इक्वल टू एम ए, और इधर से मुझे टेंशन टी मिल जाएगा जो कि मैं ऊपर सब्स्टिट्यूट कर सकूंगा। टी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू एम ए प्लस म्यू एम जी, और टेंशन टी इज इक्वल टू एम ए प्लस म्यू एम जी होल अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। दिस टेंशन टी, और इस टेंशन टी को मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, इस टेंशन टी को मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, और फिर सॉल्व कर लूंगा एक्सीलरेशन ए के लिए, और फिर वो एक्सीलरेशन ए निकाल के इधर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मुझे टी भी आ जाएगा। इस तरह से ए और टी के लिए सॉल्व कीजिए। प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मैंने मेथड बताया है। टुडे वी हैड डिस्कस्ड सफिशिएंट नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ओवर न्यूटन्स लॉ एंड फ्रिक्शन। अब खास बात न्यूटन्स लॉ पर भी है, प्रॉब्लम फ्रिक्शन पर भी है, सारे मिलाकर है। देखिए किस तरह से सिचुएशन को देखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। अब आज यह 9 प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आगे के स्टडी पैकेज को आप अटेम्प्ट कीजिए। दोबारा 2-4 दिन के लिए अटेम्प्ट लगाइए, अगले संडे फिर हम मिलेंगे।
और फिर एक डेढ़ घंटे हम डाउट डिस्कस करेंगे और आगे के डाउट डिस्कस करा के मैं इस पैकेज को नेक्स्ट संडे मोस्ट प्रोबेबली मैं एनएलएम और फ्रिक्शन को पूरी तरह से फिनिश डिक्लेयर कर दूंगा. कीप ऑन अटेम्प्टिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ओवर इट. बाय बाय, ऑल द बेस्ट.